तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों मैं हूँ मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। गैज अभी आपने प्रीव्यू में जो वीडियो देखा तो इस तरह की मोशन इफेक्ट 3D स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए मैं जो जीप फाइल का यूज़ कर रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आप टेलीग्राम पर जाकर जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उसे सर्च कीजिएगा, आपको फर्स्ट में आकर मिल जाएगा। आप उसे सिंपली ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप और चैनल दोनों मिलेगा। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल होता है और ग्रुप भी होता है आप जानते होंगे। तो आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिएगा तो मैं जो नेक्स्ट अपडेट में जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो वीडियो रिलीज होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर ही देता हूँ। और यूट्यूब अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किए हैं तो आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम सिंपली एडिटिंग करेंगे। दोस्तों आज की एडिटिंग हम करने वाले हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन की मदद से। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास नोट वीडियो एप्लीकेशन नहीं है तो सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वाटरमार्क का प्रॉब्लम नोट वीडियो में नहीं आता है, अब काफ़ी ईजी स्टेप में काफ़ी अट्रैक्टिव स्टेटस बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कुछ फ़ोन में नोट वीडियो वर्क नहीं करता है। तो अगर आपके फ़ोन में वर्क ना करे तो दूसरा फ़ोन ट्राई कीजिएगा, वर्क कर जाएगा। और सिंपली कैसे ट्राई करे मतलब वर्क करेगा या नहीं करेगा ये चेक करने के लिए आपको कहीं और से डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करना है नोट वीडियो को। अगर वहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड का मिल रहा है, इंस्टॉल का मिल रहा है तो डाउनलोड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो गाइस ये न्यू प्रोजेक्ट जो है इसी का मैंने आपको जो मटेरियल है जिप फाइल है मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या करना है, इस मिनी मोड के ऊपर में एक एरो ये वाला दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करना लोड प्रोजेक्ट जिप का जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लिक करने बाद आपका जो फाइल है ओपन हो जाएगा। सो गाइस फाइल जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको रिसेंट में चले जाना है, जो आप डाउनलोड करेंगे यहीं पे मिल जाएगा, या फिर आपको डाउनलोड में चले जाना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे चले जाना है और जो डाउनलोड आप किए होंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हूँ अभी तक इंपोर्ट नहीं किया हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर सारी एडिटिंग करी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सॉन्ग भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें करी हुई है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ग्रुप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस साइड में स्क्रॉल कर लीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे योर फोटो का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद 3 लाइन पर आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपको फाइल जो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एल्बम में चले जाना है। सो एल्बम में जाने के बाद आपका एल्बम जो ओपन हो जाएगा, देन जब ये ओपन हो जाए तो आपको उस फाइल में चले जाना है जहाँ पर आपका मॉडल इमेज हो, ठीक है। तो मैं तब तक के लिए एक कोई सा भी मॉडल इमेज ले लेता हूँ, आप अच्छा सा मॉडल इमेज यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कपल इमेज है मेरे पास, तो मैं एक ये वाला ले लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने पे देख सकते हैं कपल तो यहाँ पे ऐड हो गया बट ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ। अब अच्छे से एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इस तरह से आप भी कर लीजिए तो थोड़ा सा जूम हो जाएगा। देन इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखिएगा जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और ये काफ़ी लंबा लग रहा है, ठीक है। तो इसका वेट जो है हाइट वेट हम थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरह से, इस वाले स्केल का बटन जो आप देख सकते हैं इसे कम कीजिएगा स्केल को, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे नीचे की तरफ कर लीजिएगा, या इससे नीचे नहीं जाएगा, आप देख सकते कट जाएगा, तो इतना पीछे रख लीजिएगा। तो देख सकते काफी अच्छी तरह से हमारा जो है एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे सॉन्ग को एडजस्ट करना है, तो फिर सॉन्ग को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इस साइड में आ जाइए, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, इसे सेलेक्ट करके 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देन आपको क्या करना है, इस साइड में फिर से स्क्रॉल करना है। सो गाइस यहाँ पे 2 प्लस का आइकन दिख रहा है, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे 30 सेकंड का हमारा प्रोजेक्ट है, तो अगर दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो 30 सेकंड तक का सॉन्ग ले सकते हैं, या फिर ये फर्स्ट वाला जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना मीडिया में चले जाइएगा, मीडिया में जाने के बाद लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिएगा। अब 30 सेकंड से ज़्यादा का भी सॉन्ग रहेगा तो उसे हम आसानी से क्रॉप कर सकेंगे। तो कैसे क्रॉप करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑडियो पर क्लिक कीजिए, या जिस भी फाइल में आपका ऑडियो है उस फाइल में चले जाइए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑडियो यहाँ पे है, तो मैं तब तक के लिए ये वाला ऑडियो को ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ऑडियो यहाँ पे मेरा जो है 35 सेकंड का है, अब मुझे 30 सेकंड का इसे कट करना होगा, मतलब 30 सेकंड पर क्रॉप करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस साइड में एरो देख सकते हैं, उससे पहले ग्रुप पर क्लिक कर लीजिएगा, ये वाला ग्रुप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो एरो देख सकते हैं इस एरो पर नीचे की तरफ डाउन एरो जो है इस पर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सॉन्ग जहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं पर हमारा ये वाला लाइन है, व्हाइट वाला जो लाइन आप देख सकते हैं वहीं पर है। तो आपको सिंपली सॉन्ग को सिलेक्ट करना है, सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में ट्रिमर का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद आपका 2 ठो यहाँ पे सॉन्ग हो जाता है, 2 लाइन में सॉन्ग हो जाएगा। तो नीचे वाले को सिलेक्ट करके 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट जो हमारा एकदम कंप्लीट है, बनकर तैयार हो चुका है, सॉन्ग वगैरह लग चुकी है। अब यहाँ पे लोगो वगैरह आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक लेयर ऐड करना होगा। आपको पता ही होगा इतने टाइम से एडिटिंग कर रहा है, तो कोई भी एक लेयर ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना जो PNG वगैरह लोगो लगाना चाहते हो उसे लगा लीजिएगा। देन हमारी एडिटिंग फिनिश हो चुकी है, जो उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई। उसके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रीन वाले बटन पे एक बार टैप कर दीजिएगा। ये वीडियो
यहाँ से और यहाँ से, तो ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी दोस्तों। वीडियो सेव हो जाए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो तो सेव हो ही जाएगी, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी, तो आपके फ्रेंड को भी पसंद आएगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद।